गुड़गांव का सबसे ग्रीन एरिया यहाँ पे आता है, यानी AQI गुड़गांव का सबसे लोएस्ट यहीं पे मिलता है, क्योंकि ये गुड़गांव की लास्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। सेक्टर 80 बड़ा पावरफुल सेक्टर है, आने वाले समय में जाना है आपने, पीछे जो हो गया हो गया। इस प्रोजेक्ट के पास अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा गोल्फ व्यू आपको मिलता है, जो कि किसी भी गुड़गांव में इतने सस्ते अपार्टमेंट के साथ नहीं मिलता। सबसे पहले प्रोजेक्ट जैसे कि LDCO यहाँ पे है, तो LDCO का आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज छोटा है, 2200 स्क्वायर फीट का साइज इसमें आता है। अभी डेवलपर ने EY लेना शुरू कर दिया है, EY के तौर पे आपको 1500 रुपये का एनुअल डिस्काउंट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिसमें मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों की ये चीजें गाइड करते आया हूँ, और आज मुझे लगा कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके ये चीजें आप लोगों को फिर से समझानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कुछ नहीं। आज चलो मैं आप लोगों की ये सारी चीजें डाउट वगैरह सारे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये सेक्टर 80 है, और 80 के अंदर मैं जिस लैंड पार्सल में खड़ा हूँ, ये HSIDC का लैंड पार्सल है 200 एकड़ का। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने HSIDC का पूरा डिटेल से बताया था कि भाई किस किस डेवलपर ने क्या क्या लैंड पार्सल कितने में खरीदा था, तो वो वीडियो जरूर देख लेना और समझ भी जाओगे कि HSIDC की यहाँ कितनी बड़ी मेजर प्लानिंग है। तो पॉइंट पे आते हैं, अभी मैं जिस लैंड पार्सल में खड़ा हूँ, ये भी ठीक ग्रुप हाउसिंग का लैंड पार्सल है, जहां पे अभी ऑक्शन और होने हैं, और ग्रुप हाउसिंग यहाँ तकरीबन 12 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से 2 एकड़ का लैंड पार्सल आप देखोगे, क्लब हाउस के लिए भी है, कमर्शियल के लिए भी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल के लिए भी है, यानी स्कूल कॉलेज का भी लैंड पार्सल इस 200 एकड़ के लैंड पार्सल में आता है। यहाँ 4 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डेवलप किए जाने हैं। अभी मैं थोड़ी लोकेशन आपको बता दूं, तो सेक्टर 80 है, इसके जस्ट अपोजिट साइड सेक्टर 78, और जहाँ पे आप फेस्को का जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो सेक्टर 79 में आता है। और 79 में आपने पता होगा मेक्सिको के बगल से ही 60 मीटर का रोड बिल्कुल हिट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, हिट हो रहा है यहाँ से 60 मीटर रोड जो नेशनल हाईवे NH8 और आगे जाना है, तो यहाँ पे T5 बचता है, तो आप SPR सोना रोड क्लोवर लीफ नेशनल हाईवे NH8 यहाँ से भी जा सकते हैं। और आपको पता है ना, ये जो एरिया है ये NGT एरिया है, यानी यहाँ पे गुड़गांव का सबसे ग्रीन एरिया यहाँ पे आता है, यानी AQI गुड़गांव का सबसे लोएस्ट यहीं पे मिलता है, क्योंकि ये गुड़गांव की लास्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि NHG का कैंप है, जो तकरीबन 1600 एकड़ के अंदर डेवलप किया गया है। तो सेक्टर 80 बड़ा पावरफुल सेक्टर है, आने वाले समय में जाना है आपने, पीछे जो हो गया हो गया, क्योंकि हमें पीछे थोड़ी नहीं जाना, वो तो होगी है, डेवलपमेंट रेट बढ़ गए, हमने जाना है आगे, फ्यूचर क्या है, बच्चे तो आगे बढ़े होंगे, बच्चों को रिक्वायरमेंट आगे होगी, लाइफस्टाइल तो आगे बढ़ेगा, पीछे तो जाने जो होना था डेवलपमेंट होनी थी वो सारी चीजें हो गई, रेट बढ़ने थे बढ़ गए, लेकिन आपको लाइफस्टाइल आगे, क्योंकि कोविड ने लोगों को डरा दिया था, लोग नए एरिया में जाना शुरू हो गए थे। आपको पता है ना कि जो लोग गुड़गांव दिल्ली के अंदर वाले एरिया में रहते थे, उन्होंने न्यू गुड़गांव एरिया को चमका दिया, क्योंकि वहां से लोग वहां शिफ्ट होने लगे। वाटिका आपका जो 400 एकड़ का डेवलपमेंट है, वाटिका इंडियन है, वो आपका बिल्कुल खाली सस्ते रेंट होते थे, आज एक बार रेंट पता करके देखो, रीसेल पता करके देख लो, पता चल जाएगा। बीमारी का कुछ नहीं पता होता दोस्तों, कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट एरिया हमें लाइफ पर ही चाहिए। लाइफ सेट करनी है, जीना है, अच्छा काम करना है, लंबी लाइफ को करनी है, तो आपको एक इन्वायरमेंट एरिया पकड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप पकड़ो ही हो। इसलिए मैं 80 सेक्टर आप लोगों को बार बार सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि ये लास्ट डेवलपमेंट सेक्टर है, इसमें टाइम पे जाओ तो पैसे भी बनेंगे, रहने का मौका भी मिलेगा, आज बजट कम है कल को महंगे प्रॉपर्टी मिलेंगे, 5 साल लगेंगे इस एरिया को डेवलप होने में, तो 5 साल में तो ना जाने क्या क्या चीजें बदलेंगी दोस्तों। यहाँ पे 12 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की जानी है, और क्योंकि ये HSIDC जहां जहां आता है वहां वहां आपको डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ सेक्टर 78 के अपोजिट साइड में, यानी बगल से 60 मीटर रोड जाना है, सेक्टर 78 और SPR रोड से लेके 78 जो सेक्टर है, जिसके अंदर 74A, 75A, 76, 77, 78, ये जो सेक्टर है, यहाँ DLF की मेजर टाउनशिप आएंगे,
ठीक आई नहीं आएंगे, जिसमें काम शुरू हो गया परिवाना से, कि यहाँ पे रेजिडेंशियल की भरमार आएगी क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बिकने वाली है। चलिए लोकेशन बताता हूँ, ये जो लोकेशन है यहाँ पे HSIBC की तकरीबन 200 एकड़ ट्रैक पार्सल है, 200 एकड़ के अंदर से यहाँ पे 500 करोड़ का ऑलरेडी 4 लैंड पार्सल वो सेल कर चुका है, जिसके अंदर 3 ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने यहाँ पे लैंड पार्सल खरीदा। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डेवलपर थे और यहाँ पे जिन जिन डेवलपरों ने पिंक पार्टी यहाँ पे खरीदा, लैंड पार्सल खरीदा, वो अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। इसमें से आज एक मैं आपको बता देता हूँ, एलडीको ग्रुप ने 8.5 एकड़ यानी 8.34 एकड़ का लैंड पार्सल परचेज किया था 165 करोड़ का, जो कि ऑप्शन किया था HSIDC ने सेक्टर 80 के अंदर, जिसमें पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हो एलडीको का है। यहाँ 8.34 एकड़ के आसपास एलडीको अपना हाई राइज प्रोजेक्ट है यहाँ पे डेवलप करने वाला है, ये जल्दी बन रही है, उसमें अभी ये जल्द है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। अभी इन्होंने कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट वगैरह रखे क्योंकि इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के पास अगर मैं देख तो बहुत बड़ा गोल्फ व्यू आपको मिलता है, जो कि किसी भी गुड़गांव में इतने सस्ते अपार्टमेंट के साथ नहीं मिलता। या तो गोल्फ व्यू आपको अरालिया कमेलिया जिसके अंदर देखने को मिल गया है, जिसके अंदर 100 करोड़ तक के अपार्टमेंट आपको बिकते हुए नजर आए हैं। उसके बाद इस एरिए के जस्ट पीछे जैसे कि NSG का बड़ा कैंप, जैसे कि मैंने 100 एकड़ का बताया, वो पूरा करीब एरिया गूगल करके देख लेना, गूगल से मैप देख लेना। उसके बाद NGT एरिया जो कि अरावली की बहुत बड़ी शाखा है, जिसके अंदर आपकी 10,000 एकड़ के अंदर ग्लोबल जंगली सफारी पार्क को डेवलप किया। अब आप ये भी सोचो, ये तो बहुत बड़े प्लानिंग पे ही जो चीज डेवलप होती है, छुटकियों में थोड़ी ना हो जाती है, वो तो छोटी छोटी चीजें, जहाँ जाएंगे आप हुड्डा सेक्टर में देख लो, छोटे छोटे पार्क देखेंगे, क्या मेंटेन आपको मिलेगा और रेट देखो कितने हैं। कोई भी चीज आती है वेल प्लान के साथ जब आए, हाँ उसके पहले प्लानिंग होती है, DPR होती है, लैंड पार्सल किया जाता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 350 के आसपास की यूनिट आएंगी। फेज वन में ये बहुत कम यूनिट ओपनिंग कर रहे हैं, 3 BHK से 2200 स्क्वायर फीट से लेकर 3600 स्क्वायर फीट तक का आप देखेंगे, यानी 3 BHK के 4 BHK इस टाइप के कंसेप्ट आप देखेंगे। तो हाई राइज आप देख रहे हो, मानेसर का सेक्टर 1 की हाई राइज है, उसके कम में जो गोल्फ व्यू आपको नजर आएगा। उसके बाद आपका सेक्टर 1 है जो HSIDC ने डेवलप किया था, मानेसर का सेक्टर बहुत वेल प्लान है। दूसरा की जो सेक्टर 80 है ना, इस 80 सेक्टर के अंदर आपको 30 मीटर के इंटरनल रोड देखने को मिलेंगे, यानी बाकी सेक्टरों में आपको 24 मीटर के रोड मिलते हैं, इसमें 30 एकड़ के आपको देखने को मिलेंगे रोड इंटरनल है। उसके बाद जो सीते जो बाउंड्री और जो मकान देखते हैं, ये सारे कर्मा ठेक के अंदर के डिजाइन के अंदर आते हैं। उसके बाद अदर लैंड पार्सल खरीदा था त्रेहान आयरिस ने, जो वहां पे जो खुदाई चल रही है, जो XGV का जो काम देख रहे हो, वो त्रेहान आयरिस यहाँ पे डेवलप कर रहा है। उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर और यानी नेशनल हाईवे के नजदीक कॉन्सियंट पार्क अपना प्रोजेक्ट बना रहा है वहां पे, कॉन्सियंट भी वहां पे अपना 5.5 एकड़ का जो लैंड पार्सल ऑप्शन के थ्रू खरीदा था, उसके अंदर अपना हाई राइज लॉन्च कर चुका है, रेरा आ चुका है, वो थोड़ा NH8 के नजदीक पड़ता है, ग्रीन एरिया उससे भी काफी अच्छा दिखता है कर्मा लेक का। उसके बाद अगर मैं आसपास की चीजें बताऊं तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि 12 ऐसे प्रोडक्ट है जो खाने हैं, HSIDC ने ऑलरेडी है यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह कि यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए लैंड पार्सल है, इतनी एकड़ की है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ डिटेल, जिसमें इस एरिए का प्रॉपर मैप और बन चुकी है, जल्द आपको मिलने वाली है। और इसके अंदर कौन सी ग्रुप हाउसिंग कहाँ पे आएगी, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लैंड आनी है, कहाँ पे क्लब बनना है, कहाँ पे फायर स्टेशन बनना है, कहाँ पे पुलिस स्टेशन बनना है, ये सारी चीजें इस एरिए के अंदर वेल डेवलपमेंट के अंदर आनी है, न्यू डेवलपमेंट के हिस्से के अंदर आएगी। और यहाँ पे जो HSIDC है ना, महंगा लैंड पार्सल धीरे धीरे जैसे जैसे ऑप्शन करेगा महंगा बिकेगा तो रेट बढ़ेंगे तो फ्लैट आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू भी जंप करेगी। इसलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट जैसे कि LDCO यहाँ पे है, तो LDCO का आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि इसमें साइज छोटा है, 2200 स्क्वायर फीट का साइज इसमें आता है। अभी डेवलपर ने EY देना शुरू कर दिया है, EY के तौर पर आपको
₹1500 का एनुअल डिस्काउंट मिलता है। कुछ यूनिट अभी बची हुई है, इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये तकरीबन 17-18 के आसपास का ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रीन एरिया, गोल्फ एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इस एरिए में जो बेनिफिट वाली जो चीज है वो ये है कि दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी तो गुड़गांव में बहुत मिल जाएगी, बहुत जगह मिलेगी, कहीं भी ले लो, एक्सटेंशन, SPR, सोना रोड, सोना के अंदर कहीं भी ले लो, आपको मिल जाएंगी, बट उसमें पैसा लग के बन जाती चीजें। लेकिन ग्रीन एरिया को डेवलप करो, क्या किसी के पास इतना बड़ा गोल्फ एरिया 350 एकड़ प्लस का ग्रीन एरिया, क्या उसको डेवलप कर सकते हैं? 1600 एकड़ का NHG जैसी सिक्योरिटी, क्या उसको डेवलप कर सकते हैं? क्या आपकी जो NGT एरिया यानी अरावली की पहाड़ियां, क्या उसको आप डेवलप कर सकते हैं? नहीं, ये ऑर्गेनिक है, ये हमें मिली है, तो इसका बेनिफिट मिलाओ, उठाओ कि आपको एक ऐसा मकान मिलता है, एक ऐसा फ्लैट मिलता है जहाँ सिक्योरिटी भी हो, इन्वायरमेंट भी हो, ग्रीन एरिया भी हो, सुबह की धूप का एंजॉय आप ले सकते हो, आप शाम की जो ठंड है, जो ठंड आप अभी जैसे कि दिवाली आ रही है, शहर के अंदर पोल्यूशन होना शुरू हो गया है, यहाँ अभी मैं खड़ा हूं ना, यहाँ पे वो खुशबू है हवा की, वो खुशबू है यहाँ की मिट्टी की जो एक्चुअल में होती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ, मैंने उन चीजों को महसूस किया है, कहाँ पे क्या एरिया की क्या खुशबू आती है मैं पहचानता हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीजें बताता हूँ दोस्तों, जो ट्रूथ है, सच्चाई है, और जो हम फील करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस और फील किया जा सकता है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, प्लान कर लो, 3 करोड़ से यहाँ पे चीजें मिलना शुरू हो जाती है, उस टाइम के बाद ये नहीं मिलेंगी, सच बता रहा हूँ, नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एरिया वाकई में बहुत खूबसूरत, और आप आज ले रहे हैं, 5 साल में रहना शुरू करेंगे, उसके बाद तो ये एरिया आपको खाली नजर नहीं आने वाला है, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि मोस्टली एक्वायरमेंट हो चुका है आपका SPR रोड, आपका एक्सटेंशन रोड, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, कहीं भी ऐसा नहीं है देखो जहां पे रोड वगैरह या अदर चीजें नहीं होगी, क्योंकि आपका एनवायरमेंट उसी जगह पे मिलेगा, जहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी तो आपको शोर शराबा, पोल्यूशन, फिर एनवायरमेंट कैसा, एनवायरमेंट तो ऐसा होता है जहां पे खाली हो, कोई ना हो, उस चीज का बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगर आपकी सच में लाइफ स्टाइल को बढ़ाना चाहते हो, आपकी उम्र बढ़ाना चाहते हो, बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हो, पोल्यूशन फ्री एरिया चाहते हो, ये मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मैं बयान नहीं कर सकता कि वो ऐसी कितनी चीजें, कि यहाँ पे ना ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो ये है रेड, अगर कभी आप मिलोगे मैं आपको वो व्यू चीजें हैं वो दिखा सकता, ठीक है, कि क्या चीजें मैं समझा सकता। अगर आप इस चीज के लिए बेनिफिट लेना चाहते हो, मिलना चाहते, मिल के सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो मिल लीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अपना आप टाइम फिक्स कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, और आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो दोस्तों जल्दी से कॉल कर लीजिए, देखने से बात नहीं बनेगी, वीडियो देखने से, वीडियो देख के चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से बात बनेगी। वीडियो को आप देखते रहेंगे, फिर सोचेंगे, फिर समझेंगे, तब जाके एक्शन लीजिए, समाधान तभी निकलेगा। बात कीजिए, सामने खड़ा हूँ आपके, कॉल कीजिए, मिलके डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे, फंडिंग की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और कोई इस चीज में नहीं आ रही कुछ और चीजें करेंगे, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आज नहीं लिया तो कल नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरा कहना है आपको, प्लान आपका है, डिसीजन आपका है, प्रॉफिट आपका है, लाइफस्टाइल आपकी है, पैसा आपका है, आपका डिसीजन है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, कभी वैसे देख के आप चुप के बैठ जाओ, ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो, एक चीज तो कर लेना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर देना कि आपने इस एरिया से क्या आज सीखा है। मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तो थैंक यू दोस्तों।